वफाकी हुकूमत ने सैयद मोहम्मद ताहा को मजीद 3 साल के लिए MDPSO तैनात कर दिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से सैयद मोहम्मद ताहा को आइंदा 3 साल के लिए MDPSO तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम के मुताबिक वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सैयद मोहम्मद ताहा को 26 फरवरी 2026 तक MDPSO के लिए बतौर MDPSO खिदमत सर अंजाम देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी हासिल की गई। MDPSO सैयद मोहम्मद ताहा के इस मुद्दत मुलाजमत के दौरान PSO ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जिसमें गुज़श्ता साल PSO ने 86 अरब रुपये का मुनाफा कमाया। इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद ताहा ने PSO की रिस्ट्रक्चरिंग की, ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट किया और इसके साथ साथ गनवर कंपनी से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में $14.6 मिलियन का जो आर्बिट्रेशन थी वो जीतने में कामयाब रहे। उनकी बेहतर कारकर्दगी के बाद वफाकी काबीना ने उन्हें आइंदा 3 साल के लिए खिदमत जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है। जी, सैयद मोहम्मद ताहा को बेहतरीन कारकर्दगी पर मजीद 3 साल के लिए तैनात किया गया है। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।